बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर बीजेपी के अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बना। जेपी नड्डा का कहना है प्रधानमंत्री ने देश में सुशासन स्थापित किया, राम मंदिर बीजेपी का संकल्प था, राम मंदिर का निर्माण तेजी से हुआ, ये भी कहा अपनी बातों में जेपी नड्डा ने। आज देश हर्षित है, राममय है, राम की ऊर्जा है, राम का तेज है, देश के मन मंदिर में विराजित हो गया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण, तर्पण, संघर्ष, बलिदान तथा संकल्प और सिद्धि का समावेश है। अतएव यह महाधिवेशन पूरी एकता, श्रद्धा और भक्तिभाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल है। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को अभिनंदन करता है और उनका सराहना करता है। देश की विकास यात्रा में यह एक अविस्मरणीय क्षण है जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निसंदेह श्री राम मंदिर का निर्माण का अनुष्ठान इसलिए भी संपन्न हो सका क्योंकि इस अनुष्ठान के कारक प्रधानमंत्री श्री राम की कृपा है। आजादी के अमृत काल में दृढ़ संकल्प शक्ति से परिपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में जिन मूल्यों को गढ़ा है, वही सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा और वही सबका विकास सबका प्रयास उसका आधार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की एकता और एकजुटता को जन भागीदारी की शक्ति मिली है। उन्होंने अपनी नीतियों और नेतृत्व से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है। इस हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है। बीते 10 वर्षों में भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव पुनर्स्थापित हुआ है। महाअधिवेशन विरासत और विकास का साझा ताकत को और अपने दृढ़ संकल्प के प्रयासों के माध्यम से इस नए भारत की पहचान बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है और संपूर्ण भारत को राममय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। अयोध्या में जन जन की भावनाओं के प्रतीक बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से जुड़े इस प्रस्ताव को पारित करते हुए हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सर्वस्पर्शी, समावेशी, सामाजिक न्याय दिलाने वाला और विकास के लक्ष्य को राम राज्य की भावना से पूर्ण कर रहा है, ऐसा हम सब मानते हैं। इस प्रस्ताव, यह वक्तव्य हम सब लोग करतल ध्वनि के द्वारा इसको हम समर्थन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।